अल्लाह रहमान रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सैयदी या नूर अल्लाह। कल 10 मुहर्रम अल हराम सन 1442 हिजरी 30 अगस्त बरोज़ इतवार को, जब पूरी दुनिया में शहीद करबला की याद मनाई जा रही थी, तो दूसरी तरफ वो यजीदी गुरोह, वो राफजी और सहाबा के गुस्ताख लानतियों ने कराची के अंदर अलल ऐलान, जिसको बाज़ चैनलों ने भी नशर किया, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत सैयदुना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो खालुल मोमिनीन भी हैं और कातिब वही भी हैं, उन पे तबर्रा किया गया। माज़ अल्लाह उन पे लानत भेजी गई, और उनके वालिद महबूब करीम सल्लम के ससुर हज़रत सैयदुना अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु की भी शान में गुस्ताखी की गई। और इसी तरह तलागांग ज़िला चकवाल के अंदर भी एक गुस्ताख ने हज़रत सैयदुना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो की शान में बकवास किया। हम इन जलील लोगों की पुरज़ोर मजम्मत करते हैं और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि ऐसे शैतानों को लगाम डाली जाए और सख्त से सख्त इन्हें सज़ा दी जाए और निशाने इबरत बनाया जाए कि ये मुल्क जो इस्लाम की बुनियादों पे कायम है और कलमे की बुनियाद पे बना, इस्लाम के मुल्क में ऐसे शैतान भी हैं जो सहाबा पे बकवास करते हैं, तबारा करते हैं। आज ये जो दीन हमारे पास मौजूद है, ये सहाबा कराम की कुर्बानियों के बाद हम तक पहुंचा है, तो इस लिहाज से सहाबा पे हमला करना गो ये इस्लाम पे हमला करना है। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु आप कातिब वही भी हैं, यानी ये जो कुरान हमारे पास मौजूद है, हज़रत जिब्राइल अमीन जो वही की शक्ल में महबूब करीम सल्लम के पास लाते, वो कुछ हिस्से के कातिब हज़रत अमीर मुआविया हैं, कातिब वही हैं, और साथ ही कातिब महबूब खुदा हैं। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई चीज़ लिखवाना चाहते तो वह हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लिखवाते। वो अमीर मुआविया वो हैं जिनको रब के हबीब को भी एतमाद है कि ये सच्चे हैं और कातिब वही भी हैं। और दूसरी बात, ये खालुल मोमिनीन हैं, मोमिनों के मामू हैं। वो किस तरह? कुरान मजीद फुरकान हमीद में रब का इरशाद है, अन नबी अवला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम वाज़वाजुहु उम्महातुहुम, के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों के जानों से भी ज़्यादा करीब हैं, और महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जोजा हैं, आपकी बीवियाँ हैं, वह मोमिनों की माएँ हैं। तो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक जोजा मोहतरमा जो हमारी माँ है, उनका नाम है हज़रत उम्मे हबीबा। हज़रत उम्मे हबीबा वो हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो की बहन हैं। आप बताएं कि माँ का जो भाई होता है तो वो मामू बनता है, तो हमारी माँ है हज़रत उम्मे हबीबा और उनके भाई हैं हज़रत अमीर मुआविया, तो हज़रत अमीर मुआविया ये खालुल मोमिनीन हैं, मोमनों के मामू हैं। और कितना बुरा और जलील होगा जिसे माँ का हया नहीं और ना ही माँ के भाइयों का हया है, तो जिसको माँ और माँ के भाई मोमनों के जो मामू हैं उसका हया नहीं, तो फिर वो मोमिन कहलवाने का हक नहीं रखता, वो कोई और हो सकता है, मोमिन मुसलमान नहीं हो सकता। और फिर हज़रत अबू सुफियान जो हज़रत अमीरुल मोमिनीन
हज़रत अमीर मुआविया के वालिद हैं और महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुर हैं। महबूब करीम सल्लम के ससुर को गाली दी गई, इससे बड़ा भी कोई इस्लाम पे हमला हो सकता है। हज़रत इमाम नसाई से पूछा गया, असमाउर रिजाल के अंदर मौजूद है, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से सवाल किया गया, तो इमाम साहब फरमाते हैं कि इस्लाम की मिसाल इस तरह है जैसा कि एक घर है, ये इस्लाम की मिसाल है, और उस घर का जो दरवाज़ा है वो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान हैं। जो आदमी भी आता है दरवाज़े पे दस्तक देकर अंदर दाखिल होता है। अब अगर कोई आदमी दरवाज़े पे हमला करेगा, गोया के वो घर पे हमला करता है, दरवाज़े को तोड़ेगा गोया के वो घर पे हमला करता है, तो इसी तरह अगर कोई आदमी हज़रत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी बकता है, गोया के उसने सहाबा पे हमला किया है, और सहाबा पे हमला करना इस्लाम पे हमला करना है, क्योंकि इस्लाम की इमारत और घर का जो दरवाज़ा है वो सहाबा का नाम है। दरवाज़े पे हमला करना, घर पे हमला करना है, तो घर है इस्लाम और इस्लाम के घर के जो दरवाज़े हैं वो सहाबा कराम हैं, और सहाबा कराम अलैहिम रिदवान पे हमला करना इस्लाम पे हमला करना है। तो जिसने हज़रत अमीर मुआविया पे हमला किया, गुस्ताखी की, गोया के उसने सहाबा की गुस्ताखी की, जिसने सहाबा की गुस्ताखी की उसने इस्लाम पे हमला किया, और जो इस्लाम पे हमला करता है वो मुसलमान नहीं हो सकता। तो इस लिहाज से जिन्होंने हज़रत अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी की है वो मोमिन मुसलमान नहीं हैं। हज़रत इमाम मालिक का भी फतवा आपके सामने मैं पेश करता हूँ। इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया को जिसने गाली दी, ये गाली वहाँ तक नहीं रहेगी गोया के उसने हज़रत सिद्दीक़ अकबर को गाली दी। और इसी तरह मुजद्दिद अलिफ सानी भी फरमाते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया को गाली देना गोया के सिद्दीक अकबर को गाली दी, बाकी सहाबा को गाली दी, और ये रसूल खुदा तक पहुँचेगी बेअदबी और गुस्ताखी, और रसूल खुदा से हो तक खुदा तक पहुँचेगी, गोया के वो सारे सहाबा का गुस्ताख है, रसूल खुदा का गुस्ताख है, और रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन का गुस्ताख है, जो हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हो की गुस्ताखी करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन पे अपना कहर उतारे, और ऐसे शैतानों को जो सहाबा की शान के ख़िलाफ़ बकवास करते हैं और उनकी पाक ज़ात पे हमला करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें बर्बाद करे दुनिया और आखरत में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें निशान इबरत बनाए। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।